कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के सहाबापुर गांव में संदिग्ध हालत में पुजारी का मिला शव। पुजारी के शव की जानकारी मिलने पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। पूरा मामला कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के सहाबापुर गांव स्थित निर्माणाधीन मंदिर का है, जहां कुछ वर्षों से सहाबापुर गांव स्थित मंदिर में महंत ब्रजेंद्र मुनि मंदिर की देखभाल कर रहे थे, जहां आज उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने पर क्षेत्र में खलबली मच गई। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर साथ संलग्न करते हुए लोगों से पूछताछ की। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची SP कानपुर देहात, एडिशनल SP समेत क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर समेत कोतवाली पुलिस भारी पैमाने में मौजूद रही। आपको बताते चले कि मृतक पुजारी ब्रजेंद्र मुनि उम्र 70 वर्षीय अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के लहरापुर गांव के निवासी थे, जो कि विगत कुछ वर्षों से सहाबापुर गांव स्थित मंदिर में रह रहे थे, जहां आज उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के सहाबापुर में एक डेड बॉडी मिली है, क्या उसका मुख्य कारण है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए सर, ये 10 बजे के आसपास 112 के माध्यम से सूचना मिली थी हमको एक मर्डर की। तत्काल सभी अधिकारी गणितर मौके पर आ गए हैं। हमारी टीम्स भी इधर ही क्लोज है, अभी वो यहीं साक्ष्य संकलन में लगी हुई है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें जो मृतक है उनका नाम विजेंद्र बताया जा रहा है, और ये मूल रूप से रहने वाले हैं लहरापुर के, पर 6-7 साल से इधर सहाबापुर में बस गए थे। इधर एक ये गाँव के बाहर एक मंदिर निर्माण हो रहा था, पर वो कुछ समय से रुका हुआ था, इधर ही ये लोग रहते थे। तो हमारी फील्ड यूनिट फोरेंसिक्स अब यहीं मौके पर ही है, अभी साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात की गई है, कुछ सूचनाएं उन्होंने दी है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी प्रोग्रेस होगी आप लोगों से शेयर की जाएगी। ठीक। के सहाबापुर गांव में जहां पर एक मंदिर में वर्षों से रह रहे यहां पे एक पुजारी की हत्या की गई है। हत्या किस संबंध में हुई है, कैसे हुई है, इसको लेकर यहां पे आप देख सकते हैं लगातार मेरे कैमरे पीछे किस तरह की भारी भीड़ नजर आ रही है। ये सहाबापुर का लवरसी का मेन रोड है, जो भोगनीपुर थाना क्षेत्र में सहाबापुर गाँव के पास, ये सामने मेरे देख सकते हैं ये मंदिर। यहां पर एक पुजारी थे ब्रजेंद्र मुनि नाम के, जिनकी उम्र 70 वर्ष थी, उनकी हत्या की गई है। जहाँ पर भारी पुलिस फोर्स SP ASP साहब के साथ साथ थाने की भारी फोर्स हम मौके पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे मृतक पुजारी जी के परिजन भी हैं, इनके इनसे नाम जानेंगे ये घटना कैसे हुई और कब हुई, क्या जानकारी हुई। ये क्या नाम है आपका? ओमकार सिंह। ओमकार सिंह जी, ये बताइएगा कि मृतक आप कौन थे? ये हमारे मामा थे। ये घटना कैसे, क्या हुई, क्या कहना? ये नहीं बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते कि हमें मालूम ही नहीं था। सुबह जाते थे 24 घंटे में एक बार खाना देते, शाम के इनको भेजा जाता था, तो शाम को उन्होंने मना कर दिया कि खाना नहीं हम खाएंगे, हम खा के आए, तो सुबह कोई मतलब नहीं रहा, सुबह चाय पीने जाते थे। वही क्या नाम था, कितनी उम्र थी इनकी? अब इनकी 70 साल की उम्र थी, ब्रजेंद्र मुनि। ब्रजेंद्र मुनि और 70 वर्षीय। ये उसे रहने वाले कहाँ के थे? लहरापुर कुंभी अकबरपुर। ये आप कितने वर्ष से रह रहे थे लगभग? यहाँ हमारे यहाँ 6-7 साल से रह रहे थे। 6-7 साल से रह रहे थे। क्या लगता है कोई रंजित या किस तरीके से कोई रंजित? ये हत्या कैसे, क्या कहना चाहेंगे हत्या के संबंध में? हत्या के बारे में क्या होता है, उनके हाथ में पहले मोबाइल उनका था, चोरी चला गया था, अध्यात्म लिखवा दे रहे बोले कहना भगवान बहुत देगा, और क्या अगर भला हो रहा है तो यही ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हैं ये मृतक के भांजे थे, इनसे बात की है, उन्होंने बताया हुआ कि कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन अगर रंजिश नहीं थी तो हत्या कैसे हुई, इसको लेकर हम और भी यहाँ के लोग खड़े हैं, इन लोगों से बात करते हैं।